केंद्र सरकार बहुत जल्द एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत एक राशन कार्ड से देश की किसी भी दुकान से अनाज खरीदा जा सकेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि बहुत जल्द देश को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। पासवान ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल में बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह से कैशलेस बनाए जाने के साथ ही सरकार की योजना वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराने की है। इससे आर्थिक रूप से कमजोरी वर्ग के लोगों को देश में कहीं भी अपने हिस्से का राशन प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी। पासवान ने एक पूर्वक प्रश्न के जवाब में बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य के तहत 2030 तक देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 50% और ग्रामीण क्षेत्रों में 75% आबादी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के दायरे में लाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि देश की 2/3 आबादी को PDS के दायरे में लाते हुए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने PDS में वितरण संबंधी किसी तरह की खामी से इनकार करते हुए कहा कि व्यवस्था पूरी तरह से कैशलेस होने के बाद इसमें हेरा फेरी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पासवान ने स्पष्ट किया कि PDS के दायरे में आने के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड दिखाने की अनिवार्यता नहीं है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।